हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए मैंने ले आया हूँ पेटीएम का यूपीआई ऑफर। दोस्तों ये पेटीएम का यूपीआई जो ऑफर है, बाग ऑफर है दोस्तों। तो ये ऑफर आप यूज़ करोगी तो दोस्तों आपका मिनिमम फ़ायदा हो जाएगा 45 रुपीज़ बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, तो पेटीएम यूपीआई ऑफर वाला बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद जो अपर सेक्शन में आप स्क्रॉल डाउन कर लो तो दोस्तों इस तरफ से एक बैनर आपका सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों, जिस बैनर पे लिखा रहेगा जो मंदारिन ओक अप टू ₹400 कैशबैक। दोस्तों इस ऑफर वाला बटन पे आपका क्लिक करना पड़ेगा एंड इस पर देख लो दोस्तों, सीधा सीधा लिखा है फास्ट पेमेंट करने के लिए ₹20 से अप टू ₹200 कैशबैक मिल जाएगा एंड सेकेंड पेमेंट करने के लिए आपका ₹25 से ₹200 तक कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों एक्टिवेट ऑफर वाला बटन पे क्लिक करके ये ऑफर एक्टिवेट कर लो और वो जो ट्रांजेक्शन काउंट करने के लिए आपका ₹250 उससे ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना चाहिए इस ऐप्स के अंदर थ्रू। तो दोस्तों इस ऑफर को एक्टिवेट ऑफर वाला बटन पे क्लिक करके इस ऑफर को फर्स्ट में एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों इस साइट पे जाकर कुछ खाना वगैरह ऑर्डर देना पड़ेगा एंड ऑर्डर देने का साथ साथ दोस्तों पेमेंट भी करने पड़ेगा पेटीएम यूपीआई थ्रू। तो दोस्तों आपका बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, फर्स्ट टाइम ₹20 का ज़्यादा एंड सेकंड टाइम ₹25 और उससे ज़्यादा। तो दोस्तों कुल मिला के आपका फ़ायदा हो जाएगा ₹40 और उससे ज़्यादा अमाउंट का। दोस्तों कोई भी लॉस वगैरह नहीं होगा, जो आप पेमेंट करोगी वो बाग ऑफर की तारीख से आपका वो ऑफर का जो लाभ उठा जाएगा एंड दोस्तों आपका जो अमाउंट आप पेमेंट करके वो विद इन 5 मिनट का अंदर आपके अकाउंट में डायरेक्टली रिफंड भी आ जाएगा। तो दोस्तों देख लो कैसे करना है, ठीक है। वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना क्योंकि ऑफर नॉलेज में आ जाएगा तो आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों देख लो ये ऑफर जो मैंने एक्टिवेट कर लिया दोस्तों, इस बार मैंने ट्रांजेक्शन करूँगा तो आप देख लो। तो दोस्तों आपका गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा एंड उस पर टाइप करना पड़ेगा मंदारिन ओके। तो दोस्तों सर्च करने के बाद इस तरफ से पॉपअप आपका सामने आ जाएगा, तो इस पर कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करके उस इंटरफेस को ओपन कर लो। ओपन करने का साथ साथ दोस्तों आपका सामने इस तरफ से इंटरफेस आ जाएगा खाना ऑर्डर करने के लिए। तो मैंने दोस्तों ऑलरेडी कार्ट कर लिया ₹270 का एक खाना। तो दोस्तों आप सर्च करके जो भेज से नॉन भेज आप सर्च करोगी तो आपका मिल जाएगा एंड दोस्तों आपका जो फास्ट करना पड़ेगा आपका एक लोकेशन रहेगा जिसपे एड्रेस डालना पड़ेगा। तो एड्रेस पर आपका लिखना पड़ेगा मुंबई सेंट्रल। तो दोस्तों मुंबई सेंट्रल लिखने के बाद दोस्तों आप चूज़ कर लो। देख लो दोस्तों मैंने इस साइट पर लिखा दिया एंड उसका दोस्तों आपका खाना ऑर्डर करना है एंड ऑर्डर करने का साथ साथ दोस्तों आपका रिफंड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने तो एक कार्ट कर लिया, जो भेज से नॉन भेज करोगी तो आपका सामने बहुत सारा 250 का ज़्यादा अमाउंट का खाना आ जाएगा, तो वो चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देख लो मेरा कार्ट में 270 है, तो कार्ड वाला बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड कार्ड वाला बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कोई मोबाइल नंबर वगैरह देकर साइन इन कर लेना है, नहीं तो रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट एड्रेस पर क्लिक करके सिलेक्ट एड्रेस आप सिलेक्ट कर लो, मैंने एड्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका पेमेंट इंटरफेस में जो काम करना पड़ेगा दोस्तों, फ़ोनपे ऑब्लिक जो भीम UPI वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उस ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट करोगी तो आपका ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों फोन पे में मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे पे देख लो प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो उस पर क्लिक करने का साथ साथ इस तरफ से इंटरफेस आपका सामने ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करके देख लो किस तरफ से इंटरफेस ओपन होता है। तो दोस्तों फोनपे का इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड जो आपका पेटीएम का UPI एड्रेस डालने के लिए आपका पास ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपका पेटीएम का UPI एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने एंटर कर दिया मेरा पेटीएम एड्रेस एंड वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करने के बाद पे वाला एक ऑप्शन रहेगा, ये पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरफ से पॉपअप अपना सामने ओपन हो जाएगा एंड इस पर देख लो एक टाइमर काउंट हो रही है। तो दोस्तों ये टाइमर आपका ख़त्म करना पड़ेगा, ये टाइमर एंड होने के बाद आपका पेमेंट करना पड़ेगा। इसके पहले आप पेमेंट करोगे तो आपका मनी फंस जाएगा। दोस्तों ये जो टाइमर एंड होने के बाद 1-2 मिनट बाद आप पेमेंट करोगे तो 100% आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा एंड साथ साथ उसका इंस्टेंटली आपका जो कैशबैक भी मिल जाएगा एंड दोस्तों उसका साथ साथ आपका रिफंड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों टाइमर एंड हो गया एंड इस तरफ से इंटरफेस आपका सामने ओपन हो जाएगा। क्रॉस वाला बटन पे क्लिक कर दो एंड क्रॉस वाला बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका 2-4 बार बैक बटन के प्रेस करना पड़ेगा, फ़ोन का जो बैक बटन होता है। तो दोस्तों बैक बटन पे प्रेस करने के बाद मेन पेज का इंटरफेस में आप आ जाओगी एंड उस पर आकर आप चेक कर सकते हो ऑर्डर सेक्शन पे। 3 लाइन पे क्लिक करके योर ऑर्डर्स पे क्लिक कर लो। देख लो इस पर कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं है। तो दोस्तों आपका सीधा आना पड़ेगा पेटीएम पे। दोस्तों पेटीएम के आने के बाद पेटीएम का UPI सेक्शन में आपका एक
नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों आप यूपीआई में क्लिक कर लो। क्लिक करने का साथ साथ आपका सामने देख लो इस तरफ से इंटरफेस आपका सामने ओपन हो जाएगा, इस पर आपका पे करने पड़ेगा। तो दोस्तों देख लो पे वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये पेमेंट करने का साथ साथ ही आपका मनी रिफंड आ जाएगा। तो मैं पे वाला बटन पे क्लिक करके एम पिन जो यूपीआई पिन होता है वो एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा पिन एंटर कर दिया एंड ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुल हो जाएगा, मैंने कर दिया आपका सामने लाइव, आप देख लो। तो दोस्तों देख लो एक स्क्रैच कार्ड मेरा मिला, स्क्रैच करके देखते हो मेरा दोस्तों 21 रुपीज़ दिया, ठीक है। मिनिमम 20 रुपीज़ आपका मिल जाएगा, तो मैक्सिमम तो आपका मिल सकता है बट मिनिमम 20 रुपीज़ आपका मिल जाएगा, मेरा 21 रुपीज़ मिला, ठीक है। दोस्तों मैं आपका सामने बैक बटन प्रेस करके देखा देता हूँ जो मेरा रिफंड आया कि नहीं। दोस्तों देख लो पेमेंट किया, पेमेंट करने का साथ साथ दोस्तों मेरा रिफंड भी आ गया, देख लो 270 रुपीज़ जो रिफंड आया मेरा ये फ़ोनपे के तरफ से, ठीक है। जो मनी मेरा कट गया और रिफ़ंड भी आया एंड ऑफ़र भी काउंट हो गया। तो दोस्तों इस तरीक़े से आप देख सकते हो एंड अप्लाई भी कर सकते हो। देख लो दोस्तों ऑफ़र सेक्शन में मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार काउंट हो गया। तो दोस्तों आपका एक बार काउंट होने के लिए 20 रुपीज़ मिनिमम मिल जाएगा एंड सेकेंड बार पेमेंट करने के लिए 25 रुपीज़ मिनिमम मिल जाएगा। तो दोस्तों दो बार आप अप्लाई करोगे तो कुल मिला के 45 रुपीज़ बिल्कुल फ्री में मिनिमम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो ट्रिक्स एंड बाग आपके साथ मैंने शेयर किया आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस ट्रिक्स को दो बार अप्लाई करोगे तो आपका 45 रुपीज़ का ही फ़ायदा हो जाएगा।